स्टूडेंट्स फोल्डर जाएंगे और लाइट सेवा डॉट एफ पी एक्स को इम्पोर्ट कर लेंगे अपने यूनिटी में। तो इसका एक सेकेंड, और हम लोग इसका जो मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मटेरियल्स फोल्डर में, और इट इज़ गुड टू गो। और एक बार जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे ना साइज़ चेक करने के लिए, लाइक आप देख सकते हो इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है 111। तो अभी स्केल मेरे को लग रहा है इट्स गुड, लेकिन फिर भी अभी छोटा लग रहा है। वो कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग थोड़ा, कैमरा को थोड़ा इसके करीब लाके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं लाइट सेवर का। तो अभी जो अपना लाइट सेवर है वो रेडी है, और हम लोग इस मटेरियल्स को अभी क्रिएट करेंगे। ये तो हैंडल मटेरियल्स है, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो हम लोगों ने मटेरियल्स फोल्डर में इसको इंपोर्ट किया था, तो आप लोग देख सकते हो कि अपने पास हैंडल मटेरियल है और ब्लेड मटेरियल है। तो पहले हम लोग जो हैंडल मटेरियल है उसको स्पेकुलर कर देंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा शाइनीनेस चाहते हैं इसमें, और ये ओपेक रहेगा क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी अपने को चाहिए नहीं। और इसका कलर हम लोग थोड़ा ब्लैकिश कर देंगे, ताकि अपने को जो ब्लैकिनेस चाहिए वो मिल जाए, और स्पेकुलरिटी थोड़ा कम कर देंगे ताकि जो अपने को थोड़ा रफनेस काइंड का चाहिए वो आ जाए। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट लिट शेडर है, तो आप देख सकते हैं लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए साइड में जो सब सरफेस स्कैटरिंग है वो हो रहा है। सो स्पेकुलर हाइलाइट्स अगर ऑफ कर दिए तो नहीं, इन्वायरमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ कर देंगे। तो अपने को अगर इन्वायरमेंट से कुछ रिफ्लेक्शन चाहिए नहीं तो हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। तो मेरे को चाहिए क्योंकि कभी कभार ये काम आ जाता है, तो इसको ऑन कर दिया हमने। और अभी हम लोग लाइट शेवर पे जाएंगे और इसको चेक करेंगे। हाँ, ये हो गया है। अभी हम लोग इसके जो हैंडल है उसके ऊपर काम करेंगे, और इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांसपेरेंट में कर देंगे, और इसका अल्फा जो है वो थोड़ा कम कर देंगे, और इसका कलर जो है वो ए वाला वैल्यू ले लेते हैं अभी के लिए, सही है। और एमिशन का जो वैल्यू है वो भी अपना कुछ इस कलर का ही हम लोग रख देंगे ऐसा, और हम लोग एमिशन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, लाइक 1.7 इज एनफ। और अभी हम लोग इसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट है उसको नोटिस करेंगे, लाइक अपने फर्स्ट स्काई बॉक्स को हम लोग चेंज कर देंगे ब्लैक में, ताकि अपने को इसको देखने को मिले। तो स्काई बॉक्स को हम लोगों ने ब्लैक में कर दिया, क्योंकि लाइट सेवर का जो अपना एक्शन होता है वो मोस्टली ब्लैक सीन में होता है। और नेक्स्ट होगा कि डायरेक्शनल लाइट को ऑफ कर देंगे, ताकि अपना लाइट सेवर का जो इफेक्ट है ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो ये थोड़ा बैड इम्पैक्ट करता है। और अभी हम लोग देख सकते हैं जो अपना पोस्ट प्रोसेसिंग है वो सही है। और अभी हम लोग अपने ब्लूम को एडजस्ट करेंगे, लाइक लाइट सेवर ज़्यादा ग्लो करता है तो हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, और अगर ट्रेस होल्ड कम कर दिए तो पूरा सीन में लाइट कर देगा। तो अपने को ट्रेस होल्ड एक मेंटेन करके इंटेंसिटी को प्लग एंड प्ले करना है। तो ये ऑलमोस्ट सही है अपने लिए, और आई थिंक दिस इज एनफ फॉर अस लाइक अभी के लिए। थोड़ा जस्ट प्लग एंड प्ले कर सकते हैं हम लोग, लाइक जस्ट अपने को जो चाहिए
उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग टोन मैपर ऑन कर लेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म टोन रहे। लाइक देख सकते हो इधर पे ब्लू का टोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, जो लाइट स्कैटर हो रहा है उसको ये कलेक्ट कर रहा है और एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अपना लाइट सेवर में ये होता है कि आपका जो एपोचन है ये ज़्यादा लाइट होता है और ग्लो इस साइड से आता है, इसलिए हम लोग टोन मैपिंग ऑन कर दिए। तो दो टाइप के होते हैं, तो इस एक मेथड ही अभी सबसे ऑप्टिमाइज्ड है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और इसमें और कुछ अपने को पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट चाहिए नहीं क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक लेंथ डिस्टॉर्शन दे देते हैं जस्ट इन केस अगर एक ब्लरी काइंड का इफेक्ट अपने को चाहिए। तो ये हो गया अपना लाइट सेवर का बेसिक पार्ट। अभी हम लोग इसको एनिमेट करेंगे ताकि जो स्लैशिंग इफेक्ट है उसको हम लोग शोकेस कर पाए। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग लाइट सेवर में जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना एनिमेशन जो टैब है उसको ऑन कर लेंगे और इसको इधर पे जाके क्रिएट एनिमेशन में जाके लाइट सेवर अंडरस्कोर एनिम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का एनिमेशन चालू हो गया और हम लोग प्रॉपर्टी में इसका ट्रांसफॉर्म का पोजीशन को रख देंगे और अपना जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट में अपना ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा उसके बाद और थोड़ा मूव करेगा, थोड़ा ऐसा काइंड का, और इधर पे जाके कुछ इसका पोजीशन चेंज करते हैं और इसमें थोड़ा रोटेशन डाल देते हैं। तो हम लोग अच्छा सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके रखा था तो एनिमेशन का की फ्रेम रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो फिर से हम लोग करेंगे। लाइक इसका रोटेशन पहले ऐसा करते थे, उसके बाद ये इस इधर पे हम लोग इसको कुछ ऐसा सॉरी, और मैंने इसका पीवट में भी थोड़ा मिक्सअप किया था तो उसके कारण ये थोड़ा डिफरेंट काइंड का आ रहा है और हम लोग हर 30 सेकेंड में एक दूसरे काइंड के मूवमेंट दे देते हैं ताकि कुछ एक रैंडम एनिमेशन हो। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चाहते हैं कि अपना लाइट सेवर जो है इस की फ्रेम को डिलीट करते हैं जो है वो इस तरह से घूम, और इसका पीवट मैंने बहुत ही गलती कर दिया है, इसका पीवट हैंडल पे होना चाहिए था इसलिए एनिमेशन थोड़ा रफ काइंड का आ रहा है। सो उसके कारण एनिमेशन जो है उसका इशू हो गया है, तो पीवट को अपने को ब्लेंडर में ही एडजस्ट करना था। तो लाइक अपने को पीवट को इस सेंटर पॉइंट में करना था तो हम लोगों ने वो नहीं किया, और अपना पीवट को हम लोगों को इसका पीवट को 3D कर्सर में करने से इसका पीवट चेंज हो जाता। एडिट मोड में आप देख सकते हैं इसका पीवट इधर पे आ जाता था, अभी पीवट इधर पे है जिसके कारण अपने को थोड़ा इशू फेस करना हो रहा है, लेकिन ठीक है। तो अपने को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एनिमेशन अपना फोकस नहीं है, तो अभी जो फोकस है वो है इसको करना। सो कुछ एनिमेशन हम लोगों ने ऐसा रैंडम एक एनिमेशन कर लिया और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट इंपोर्ट करेंगे अपने
अपने एसेस स्टोर से, तो एसेस स्टोर में जाके हम लोग सर्च करेंगे मेले वेपन ट्रायल। तो ये जो पैकेज है, ये वाला पैकेज बहुत ही अच्छा है अपना वेपन बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ ये पैकेज शेयर कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने यूनिटी में। तो ये हो गया अपना वेपन का। तो नेक्स्ट होगा अपना वेपन ट्रायल को हम लोग करेंगे। सो इसको अभी हम लोग पैकेज मैनेजर में इंपोर्ट करेंगे। सर आज की क्लास का आप ट्यूटोरियल सेंड कर दीजिएगा सर। तो ये है आपका मेले वेपन ट्रायल, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये मोस्टली आपका स्क्रिप्ट बेस है, तो ये पूरा पूरी आपका स्क्रिप्ट है, तो थोड़ा इंपोर्ट हो जाएगा। जब तक ये इंपोर्ट होता है, तो हम लोग एक काम करेंगे, जो कि अपना स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेट करेंगे अपने लाइट सेवर के लिए। तो लाइट सेवर के ऊपर जाके हम लोग क्रिएट एम्प्टी करेंगे, ताकि अपने को ना। तो ये है अपना लाइट सेवर, इसको हम लोग जस्ट 2D मोड में कर लेंगे। और इस गेम ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे कि सही प्लेस हो रहा है कि नहीं। इस व्यू में अपने को इजी होगा इसको अटैच करने में, तो हम लोग इस व्यू में जाएंगे, क्योंकि इसमें वो 0-0 में है और अपने को 0-0 में ही इसको चाहिए, तो इसको 0-0 में रखेंगे। और अभी हम लोग इसके ऊपर इस ये वाला क्या है किधर, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक पॉइंट में जाएंगे, और हम लोग इसको जस्ट इधर पे सेट करेंगे और टॉप व्यू में जाएंगे, ताकि अपना टॉप व्यू भी एडजस्ट करें। और इसके पूरे लगभग मिडिल में करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको हम लोग राइट कर देंगे स्टार्ट। और नेक्स्ट काम होगा, फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसका कंट्रोल डी कर सकते हैं, या आप जस्ट कॉपी और वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और इसको रीनेम कर दीजिएगा एंड, और एंड में जाके जस्ट ऊपर इस टिप में आप डाल दीजिए। तो ये हो गया है, और ये इसके साथ देखिए चेंज होता है, तो इसके साथ ही मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको चाइल्ड लाइन पेरेंट कर दिया था। ये चाइल्ड लाइन पेरेंट क्यों किया, अभी हम लोग देखेंगे। तो अपना एसेट इंपोर्ट हो गया, और हम लोग देख पाएंगे कि एक मेले वेपन बोल के फोल्डर आ गया। तो अभी हम लोग इस फोल्डर में जाएंगे, और इसका जो मेले वेपन स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर डालने से आप देखेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे, तो इस साइट में आपका मेले वेपन का सारा कुछ आ गया है। तो अभी इसको हो गया है इसका काम, और एक नया मटेरियल बनाएंगे हम लोग, क्रिएट मटेरियल, और इस मटेरियल का नाम देंगे ट्रेल। तो इस ट्रेल को हम लोगों ने बना लिया है, इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं और इसको एक कलर दे देते हैं, लाइक इस कलर होगा, और इसमें एमिशन डाल देते हैं, और एमिशन कलर भी डाल के इसके इंटेंसिटी भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अपना ट्रेल मटेरियल्स रेडी है, और इसको अपने स्क्रिप्ट में इधर पे डाल देंगे। एमिशन टाइम अपने को चेंज करना नहीं है, लाइफ टाइम चेंज करना नहीं है, करना है इसका थोड़ा कम करना है, 1 इस बहुत ज़्यादा
वन हो गया है, मैक्सिमम एंगल से ये, और ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑन करना है, और बेस के जगह स्टार्ट कर देंगे और टिप की जगह एंड कर देंगे। तो अपना जो चीज़ है वो रेडी है, और अपन जब इसको प्ले करेगा तो अपने को एक नोटिस में आएगा कि इसमें थोड़ा स्लैश इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा होना नहीं था शायद, अपना एनिमेशन में कुछ इशू हो सकता है। तो अपना बहुत टाइम एनिमेशन में भी इशू होता है कि एनिमेशन सही नहीं है, तो शायद एनिमेशन भी कुछ ज़्यादा ही स्लो है या कुछ है, तो हम लोग इसको थोड़ा कम कर देंगे। अभी अभी भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, लाइफ टाइम वन। अभी चेक करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि सारा कुछ हम लोगों ने सही से किया है, तो इसका ट्रेल क्यों नहीं आ रहा है। जस्ट हम लोग एक सेकेंड, इसका जो एग्जाम्पल है उस प्रीफैब को लेके जस्ट इसका टेस्ट कर लेंगे। इसमें एनिमेशन है, तो इसको एक बार जस्ट हम लोग जस्ट इसके ऊपर ही टेस्ट कर लेंगे, और इसको जस्ट ऊपर फाइंड कर लेते हैं। इसका भी कुछ इशू है, एनिमेशन क्लिप मिसिंग। सर आज की क्लास का ट्यूटोरियल सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ये अपने लाइट सेवर का जो एनिमेशन है, तो मैंने दूसरा एक एनिमेशन अच्छा सा मेरे पास है, तो उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं शोकेस कर सकूं, क्योंकि इसके एनिमेशन में ही मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत है, नहीं तो अपना लाइट सेवर सही है। तो उसका हम लोग एक बार लाइट सेवर, तो इसमें जो अपना लाइट सेवर का एनिमेशन है वो सही है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे अभी, और इसको अभी ऑफ कर देते हैं, लाइक इग्नोर अवॉइड करते हैं। और इसका भी थोड़ा साइज का इशू था, तो इसको अवॉइड करना है और अप्लाई मार देना है। तो अभी इसको कैमरा की तरफ करवाना है, लाइक ऊपर होगा, और इसका जो मटेरियल्स है हम लोग अभी उसको करेक्ट कर लेंगे, लाइक अपने पास प्लेट में इसको डाल देंगे और हैंडल में इसको डाल देंगे, और हम लोग देख पाएंगे कि ये वाला भी रेडी है। तो ये वाला सेम है, सिर्फ इसमें एनिमेशन जो है वो बेटर करके है, लाइक इसका एनिमेशन बेटर है, लेकिन इसमें भी एक हेडेक वाला काम है एनिमेशन में, जो कि इसका एनिमेशन कंट्रोलर का है, लाइट सेवर का एनिमेशन कंट्रोलर को अपने को इंपोर्ट करना है, और इसमें इसको डिलीट करना है, और
अपना जो एनिमेशन है लाइट सेवर किधर गया, इसने को किधर पे इंपोर्ट किया, तो इसको मैंने एग्जाम्पल में गलती से रख दिया था। तो इसका जो एनिमेशन है उसको हम लोग लेंगे और इसको प्ले करेंगे। तो जस्ट एक सेकेंड हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि एनिमेशन चल रहा है कि नहीं। देखिए इसका एनिमेशन बेटर है, तो इसको बहुत सारे की फ्रेम्स लेके किया हुआ है एनिमेशन, तो इसका एनिमेशन बेटर है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करूँगा। तो अपना जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे, और जैसे किया था वैसे ही हम लोग एमटी को प्लेस करेंगे। पहले जो होगा वो एंड मतलब बेस को हम लोग स्टार्ट बोलते, और इसको डाल दिए और इसको रीनेम कर देंगे स्टार्ट और कंट्रोल शिफ्ट टी से। इसका हम लोगों ने कॉपी बना लिया, इसको एंड लिख देंगे और इसको थोड़ा इस साइड पे जाके प्लेस कर देंगे। तो थोड़ा तो इसको करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक थोड़ा सा तो अभी रेडी है, तो हम इसमें अपना जो स्क्रिप्ट है उसको डाल देंगे। ओपन और ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक बेस और अपना मटेरियल ट्रायल मटेरियल। तो हम लोग इसको प्ले करेंगे जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, और आप देख सकते हो कि अपना जो ट्रायल इफेक्ट है वो रनिंग है। तो इसको हम लोग जस्ट थोड़ा अपडेट करेंगे, एक ऑटो टेक और इसका लाइफ टाइम थोड़ा कम कर देंगे, तो ये ज़्यादा नहीं होगा। तो हो गया है, और आपका देखिए लाइट सेवर रेडी है। लाइक आपका जब लाइट सेवर मूव कर रहा है वो एक ट्रायल जेनरेट कर रहा है, और इसको हम लोग जस्ट लूप कर देंगे इधर, एक एम्प्टी एम्प्टी स्टेट लेंगे और इसमें ट्रांजिशन इसको डिलीट कर देंगे। ये वाला डिफॉल्ट है ना, इसको हमने डिफॉल्ट करना था। ठीक है अभी देख लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अपना लाइट सेवर जो है वो लाइट एमिट कर रहा है, और बहुत सुंदर सा लाइट एमिट कर रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ प्लग एंड प्ले करना हो, लाइक मेरे को लग रहा है मेरा जो
ट्रेल है वो बहुत ज़्यादा ही इमिट कर रहा है, सो आप प्लग इन प्ले कर सकते हो और इसको देख सकते हो कि कौन सा आपका ये परफेक्ट होगा। लाइक आप इसको ज़्यादा करके भी देख सकते हो, कम करके भी देख सकते हो, और जो सूटेबल लगे उसमें कर सकते हो। तो आज इतना तक ही था कि लाइट सेवर को कैसे करना है। तो आप लोग इस सेशन में आपको